आजाद नगर में आपने दौरा किया, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला और जनता की क्या समस्याएं जानने को मिला? आजाद नगर का दौरा हमने 10-15 दिन पहले किया था। पहले हमारा एक ऐसे हमको लोगों ने बुलाया था कि मैडम हमको मिलने आओ, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हम सब टैक्स वगैरह पे करते तभी हमको कुछ सुविधा नहीं है। तो सोचा कि एक बार होके आते, तो मैं मेरे टीम हम सब गए, देखा, प्रोग्राम भी किया था आपने, वो प्रोग्राम शायद आपका कवर भी है हमारे इसमें। तो लोगों ने वहाँ भी हमारे हमको समस्याएं बताई थी कि बाबा आप देखो जरा। तो वो कार्यक्रम होने के बाद में आई, उधर तो हमने बोला था हम फ्री शिक्षा देंगे, कैसे देंगे, वो चालू था, कोई डिस्कशन था। पर लोगों के बार फोन आने लगे कि मैडम आप आओ, बहुत सारे जो हमने भाई लोग हैं चाहे उधर हमने बहने, वो फ़ोन करने लगी मैडम आप आओ हमसे मिलो, हमारा कुछ समस्या आप जान लो। तो मैं और मेरी टीम गए थे वार्ड में 41 में। तो उधर ऐसे देखने को मिला कि चलने के लिए रास्ता नहीं है। लोग बोलते हैं हम बारिश में 2-2, 4-4 महीना जो बारिश गिरता है ना, बच्चों को हम बाहर नहीं निकलते पानी की वजह से, गटर में बहना जाए, गटर में रुकना जाए इसकी वजह से। तो सच में ये हालत उधर है और ये हालात एक दिन में बने हुए नहीं है, ये सालों वर्षों से है। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा आवाज़ उठा कि मैं उनको बोलूँगी कि मैं आने की आके आपका वो सब साफ करके जाऊँगी गटर और ये। तो मुझे भी पता है, उनको भी पता है, ये खाली आश्वासन होगा, ये वो फैक्ट्स नहीं है जो मैं बोलूँ। जो मैंने पहले से ही बताया कि झूठा कुछ नहीं बोलना है, जो अपने से बनेगा वही करना है। तो मैंने वहाँ से सब पदाधिकारी है सबको उधर इकट्ठा करा, मेरा टीम था वहाँ के, स्थानिक नागरिक थे जो वहाँ आए, उन्हें समस्या बताई, उनको मैंने बोला पूरा, हमने वहाँ जाके पूरा देखा, घर घर जाके देखा, एवरी कॉमन पर्सन जो बता रहा है मैडम मुझे ये समस्या है ऐसे मेरे घर में, ऐसे गटर मेरे घर के सामने। तो मैंने उनको ये भी बताया क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, कुछ चीज़ गलती अपनी भी रहती है, तो बदलाव खुद से करो। तो मैंने उनको वही बताया और मेरा यही खुद का मानना है कि सिस्टम से चलो, सिस्टम हम बनाएंगे, सिस्टम बना के दे सकते हैं, पर फॉलो करना ना करना वो नागरिकों के हाथों में। तो मैंने उनको बोला कि शुरुआत हमसे करते हैं, कचरा कूड़ेदानी में डालेंगे, कचरा हम घर के बाहर नहीं, गटर अपने घर का सामना घर वाला गटर हम साफ रखेंगे। तो बोला मैडम ऊपर वाले जो नली नाले के गटर है वो पूरा ब्लॉक है, तो उसकी वजह से नीचे तक पानी आता नहीं है और पूरा बह जाता है ऐसे। और मैंने खुद जाके देखा, मैं आपको फोटो वगैरह मेरे पास है थोड़ा सा प्रोवाइड करूँगी मैं आपको, तो आप देख सकते हैं उसकी वजह से कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप कचरा अपने शुरुआत करो, मुझे दिखा वो कहाँ है। हम देखने लगे तो सच में पूरा गटर जो पूरा ओपन है उसमें कूड़ा कचरा के प्लास्टिक जाके पूरा खराब है, बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए या अपने जैसे लोगों के लिए भी, वो सेहत के लिए हानिकारक ही है। तो उनको बात समझ में आई, उन्होंने बात समझी, बोला मैडम कचरा वाला कचरा उठाने नहीं आता है। तो क्यों उठाने नहीं आता है? तो एक आप काम करो कि वो कचरा वाला आएगा तो उसको बोलो खुद से जाके कि बाबा ये हमारा पूरा कचरा है, आप उठा के लेके जाओ, हम कूड़ेदानी में हर रोज डाल के रखते हैं हमारे घर का कचरा। तो उन्हें नहीं उठाते हैं, तो क्यों नहीं उठाता है, कौन नहीं उठाता है? तो बोला कि महानगर पालिका के वर्कर्स आते नहीं करते। बोले उनको बोलो लिखित में दे दो क्यों नहीं उठाते, वो लोग नहीं लिखित में देंगे और उनकी भी गलती नहीं है कुछ, कि जिनका उनको प्रोवाइड होता है वो उतने में ही करेंगे। तो जाके आज आप देख सकते हो, अभी आप जाओ वहाँ देखो, वो लोग खुद से खुद अपने ऐसे से जैसे जितना बनता है उतना, खाली मैं तो सिस्टम लगा रही हूँ, मैं खाली उनको गाइड कर रही हूँ, वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट 200, 500, 600 ऐसे करके जाके कॉन्ट्रीब्यूट निकाल के वो अपना पूरा गटर का काम करके लिया है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कुछ खर्चा किया, मैंने कुछ किया, पर एक लोगों को रास्ता दिखाना था वो मैंने दिखाया है। अभी उनको पता है उनको कैसे रहना है, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, उनको समझ में आता है अपने लिए क्या अच्छा है, अपने के लिए क्या बुरा है, अपने सेहत के लिए कितना कुछ करना चाहिए। लोग जानते हैं, लोगों को खाली
अपना एक अच्छा रास्ता दिखाने की जरूरत है। लोग ऐसे नहीं, और कोई भी नहीं बोलता है कि ये सब हमको फ्री में दो। वो टैक्स भरते हैं, उनका राइट्स है वो कि वो करे, उनका राइट्स है वो, जो उनको वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मैं उनको वही बोला है कि हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर शुरुआत अपने आप से करनी है। बस जय हिंद जय महाराष्ट्र। अगर आपने अभी तक महाकाल एक्सप्रेस हमारी नजर सब पर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वो लाल बटन दबाएं और जो बगल में घंटे का आइकन है उस पर टैप करना ना भूलें।